सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में कंपेयर करूंगा एक पीसी का बेस्ट और लेटेस्ट गेम जो है क्रिकेट 22, और एक है एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट गेम जो अभी तक सबको मात देता आ रहा है सारे एंड्रॉइड गेम्स को, वो है ड्रीम क्रिकेट 24। तो भाई आज मैं इन दोनों गेम का कंपेरिजन करूंगा, और जो ड्रीम क्रिकेट 24 को जो हमें बेटा वर्जन गेम प्ले देखने को मिले ना, उसी बेसिस पे मैं दोनों गेम को कंपेयर करूंगा। तो भाई बात कर लीजिए पहले फीचर की, जो मैं हमेशा की तरफ मेन्यू का रखता हूँ। तो भाई मेन्यू के अंदर देखा जाए जो क्रिकेट 22 का जो मेन्यू है ना, वो लाइट है और थोड़ा बढ़िया लगता है, एकदम कलरफुल लगता है। और जो ड्रीम क्रिकेट 24 का जो मेन्यू है ना, उससे जो हमें देखने को मिला है, उससे बेटा वर्जन में थोड़ा उसके फीचर्स भी नहीं है। तो ये पॉइंट अभी तक तो मैं क्रिकेट 22 को दूंगा। तो भाई पॉइंट्स हो गए क्रिकेट 22 के 2 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 0 पॉइंट्स। तो भाई जो विनिंग पॉइंट है वो 2 का है। अब बात करिए सेकंड फीचर की, वो है ग्राफिक्स की। तो भाई ग्राफिक्स में तो भाई देखो, ओवरऑल मैं बताता हूँ, ड्रीम क्रिकेट 24 के ग्राफिक्स अच्छे हैं, लेकिन क्रिकेट 22 से अच्छे नहीं लगते भाई, क्योंकि क्रिकेट 22 एक पीसी गेम है और पीसी लेवल के ग्राफिक्स फोन के अंदर आने में थोड़े अभी टाइम लगेगा। तो भाई अभी तक तो भाई मैं इसका पॉइंट दूंगा क्रिकेट 22 को, क्योंकि इसका ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भाई पॉइंट्स रुकिए क्रिकेट 22 के 4 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 0 पॉइंट्स। अब बात करिए थर्ड फीचर की, वो है बैटिंग शॉट्स। तो भाई बैटिंग शॉट देखा जाए, जो क्रिकेट 22 गेम है ना अपना पीसी वाला, उसके जो बैटिंग शॉट्स है वो थोड़े कम है, उसके ना थोड़े बैटिंग शॉट्स ऐड होते हैं, बस एक एक दो दो एक महीने में होते हैं मुश्किल से। तो भाई इसके में बैटिंग शॉट्स बहुत कम है, और जो अपना ड्रीम क्रिकेट 24 है ना, उसके अंदर भाई बहुत सारे बैटिंग शॉट्स और अलग अलग टाइप के बैटिंग शॉट्स, और रियलिस्टिक दिखते जब वो शॉट्स पड़ते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है रियल लाइफ में शॉट्स पड़ रहे हैं। तो भाई ये पॉइंट मैं ड्रीम क्रिकेट 24 को, तो पॉइंट्स चुके हैं क्रिकेट 22 के 4 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 2 पॉइंट्स। अब बात करिए बॉलिंग एक्शंस की। भाई जहां देखा जाए क्रिकेट 22 के अंदर बॉलिंग एक्शंस सिमिलर है बहुत सारे, और जो ड्रीम क्रिकेट 24 उसके अंदर भी सिमिलर बॉलिंग एक्शंस है। तो भाई ये वाला पॉइंट मैं ड्रीम क्रिकेट 24 को दूंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास एक रीजन है। जो ड्रीम क्रिकेट 24 है ना, उसके अंदर जो बॉलिंग एक्शंस है उसके अंदर मुथैया मुरलीधरन का और हरभजन सिंह का है, जो बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, जिसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रीम क्रिकेट 24 के अंदर ये वाले बॉलिंग एक्शन है, और भाई और बहुत ज़्यादा बॉलिंग एक्शन आने वाले उस गेम के अंदर। और जो क्रिकेट 22 है ना, उसके अंदर बॉलिंग एक्शन इतने ज़्यादा है नहीं जितने ज़्यादा अब ड्रीम क्रिकेट 24 में आने वाले हैं। तो ये वाला पॉइंट मैं ड्रीम क्रिकेट 24 को ही दूंगा। तो भाई पॉइंट्स हो गए क्रिकेट 22 के 4 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के भी 4 पॉइंट्स। अब बात की जाए फिफ्थ फीचर की, वो स्टेडियम्स की। तो भाई अभी मैं सारी वीडियो बता रहा हूँ कि ड्रीम क्रिकेट 24 के अंदर भी स्टेडियम्स के बारे में कोई बात करी नहीं गई है, ना हमें स्टेडियम चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी मैं क्रिकेट 22 को दूंगा। तो पॉइंट्स जो कि क्रिकेट 22 के 6 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 4 पॉइंट्स। अब बात करें सिक्स फीचर जर्सीज की। तो भाई जर्सीज देखी जाए ना, अभी तक तो हमें ड्रीम क्रिकेट 24 के अंदर सिर्फ जो सुपर स्मैश होती है ना, उसी की जर्सीज देखने को मिली है, बाकी इंटरनेशनल जर्सीज आईपीएल की जर्सीज देखने को नहीं मिली। और जो अपना क्रिकेट 22 है ना, उसके अंदर भाई कोई भी टूर्नामेंट की जर्सीज आप कम्युनिटी टैब से डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत रियलिस्टिक दिखते हैं और बहुत अच्छे पैटर्न्स दिखते हैं। तो अभी के लिए ये वाला पॉइंट मैं दूंगा क्रिकेट 22 को। तो पॉइंट्स हो गए क्रिकेट 22 के 8 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 4 पॉइंट्स। अब बात करें सेवन फीचर फेस पैक की। भाई देखो, जो क्रिकेट 22 अपना पीसी वाला गेम है ना, उसके अंदर फेस पैक सिर्फ वही टीम के रियल दिखते हैं जो लाइसेंस होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और अपनी इंग्लैंड, इन तीनों टीमों की जो फेस पैक है ना वो रियलिस्टिक दिखते हैं। और बाकी जो ड्रीम क्रिकेट 24 आने वाले ना, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जो लाइसेंस है उसी का फेस पैक अच्छा हो। भाई उसके अंदर बहुत सारे फेस पैक अच्छे रियलिस्टिक होने वाले हैं, बहुत सारे टीमों के रियलिस्टिक फेस होने वाले हैं, कम से कम 200 प्लस फेसेस उसके अंदर रियलिस्टिक होने वाले हैं। और अपना क्रिकेट 22 है ना, उसके अंदर कम से कम 100 भी फेस पैक रियल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मैं दूंगा ड्रीम क्रिकेट 24 को। तो भाई पहुंच चुके हैं क्रिकेट 22 के 8 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 6 पॉइंट्स। अब बात करी जाए 8 फीचर कमेंट्री की। तो भाई कमेंट्री देखी जाए, जो अपनी ड्रीम क्रिकेट 24 है ना, उसके अंदर कमेंट्री इतनी अच्छी है नहीं, और क्रिकेट 22 के अंदर थोड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्रीज है और कमेंटेटर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन भाई कमेंट्री से बात थोड़ी ना बनती है, साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में होनी चाहिए ना। तो भाई जो ड्रीम जो अपना क्रिकेट 22 है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश, और जो अपना ड्रीम क्रिकेट 24 उसके अंदर 2 लैंग्वेज अभी तक तो इंग्लिश और हिंदी दोनों कमेंट्री है। तो भाई ये वाला पॉइंट मैं दूंगा ड्रीम क्रिकेट 24 को। तो पॉइंट्स हो गया अपने क्रिकेट 22 के 8 पॉइंट्स और ड्रीम क्रिकेट 24 के 8 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स अब टाई हो चुका है अभी तक मैच, और अब लास्ट फीचर है जो डिसाइड करेगा अपने इन दोनों गेम के कंपैरिजन का। जो लास्ट 9th फीचर वो है स्कोर बोर्ड का। जो ड्रीम क्रिकेट 24 का जो स्कोर बोर्ड है ना भाई, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वो यूनिक है, बहुत नया है, बहुत नए स्टाइल का और बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन भाई अच्छे दिखने से बात थोड़ी ना होती, मल्टीपल स्कोर बोर्ड की भी कोई बात होती है ना। तो भाई जो मल्टीपल स्कोर बोर्ड है ना, वो क्रिकेट 22 के मल्टीपल स्कोर बोर्ड है। भाई T20 का अलग स्कोर बोर्ड आता है, और
ओडीआई और टेस्ट का दोनों का सेम रहता है, मतलब अलग अलग दो अलग अलग स्कोर बोर्ड है उस गेम के अंदर, तो इसलिए ये वाला पॉइंट मैं दूंगा क्रिकेट विंडू को। तो भाई इसी के साथ पॉइंट्स चुके क्रिकेट विंडू के 10 पॉइंट्स और ड्रीम के 24 के 8 पॉइंट्स। तो भाई इसी के साथ 2 पॉइंट से अपना क्रिकेट विंडू जीत चुका है। तो भाई आप देख सकते हो कि क्रिकेट ड्रीम क्रिकेट 24 ने कितना अच्छा कंपटीशन दिया क्रिकेट 22 को, जो अभी लेटेस्ट और सबसे रियलिस्टिक गेम अभी तक का। तो भाई सोच सकते हो अगर उसका फुल वर्जन आएगा ना तो ये गेम सबको बीट कर देगा भाई। बस इसका भाई मैं वेट कर रहा हूँ, बस जल्दी से ये गेम आए और मैं खेल के देखूँ। और अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना।